प्राप्ति करा सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए समय आप गवा रहे हैं यदि यहाँ वहाँ, तो ना गवाइए, भगवान के चिंतन में लगिए, कथाएं सुना, ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनिए और कथाएं सुनते हुए सारा कार्य को मैनेज कीजिए। सुखदेव भगवान एक बार कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, तभी इंद्र आए और बोले कि हमें कथा सुनाओ, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दे दो। स्वर्ग का अमृत लेकर भी सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा कि पी लो अमृत स्वर्ग का। इंद्र बोले हमें स्वर्ग के अमृत की लालसा नहीं है, हमें कथा अमृत सुनाइए। स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत को कहा तब कथा अमृतम, कथा को अमृत कहा, जो कथा अमृत को पिएगा उसे वैकुंठ भगवत धाम प्राप्त होगा। स्वर्ग अमृत जो है वो स्वर्ग दिलाता है, कथा जो है वो वैकुंठ दिलाती है, तो क्या सही है, क्या पीना फायदेमंद है? इसलिए कथा के अमृत को पिया जाए। और एक बार बताएं, आप 3 घंटे कंटिन्यू खाना भोजन प्रसादी कर सकते हैं, खा सकते हैं क्या? 3 घंटे आप डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? 3 घंटे कंटिन्यू पानी पी सकते हैं? लेकिन 3 घंटे कथा का रसपान कर सकते हैं। तो कथा 3 घंटे आपको सुख दे सकती है, संसार आपको कंटिन्यू, आप संसार का कोई भी काम कर लीजिए जो जिससे आपको बहुत अच्छा 3 घंटे 4 घंटे सुन सकते हैं और सारे टाइम आपको सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। कथा में आनंद है, कथा रसीली है, रस से भरी हुई है। अखबार कल का आज पुराना हो गया, कल का अखबार आज के लिए क्या है? पुराना। लेकिन कल भी आपने कथा सुनी, आज भी आपने कथा सुनी, कल भी कीर्तन किया था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आपने गाना सुना मुन्नी बदनाम हुई, सीला सीला की जवानी, ये सब सुना, तो ये सब पुराने हो गए गाने, अब इन्हें कोई नहीं सुनता। गोला बेरी है ना, ये गाने थे, अब इन्हें कोई नहीं सुनता, पुराने हो गए गीत, पुराने हो गए साहब समय के साथ, पर भगवान की कथा और कीर्तन कभी पुरानी नहीं हुई। कभी आपने सुना यार ये तो पुराना कीर्तन है, ऐसा सुना कभी? ये गाना पुराना है, ये तो सुना, ये पुराना गाना है। गाने पुराने हो जाते हैं पर कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, जब जब गाओगे, जब जब सुनोगे, आप आज तक किसी से नहीं सुना कि ये कीर्तन पुराना है, श्री राम जय राम, किसी से नहीं सुना कि ये कीर्तन पुराना है, हरे राम राम हरे, किसी से नहीं सुना कि ये कीर्तन, ये मंत्र पुराना है। ये पुरानी नहीं, भगवान का नाम पुराना नहीं होता संसार की। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया स्तुति लिखी है, लिखने वालों ने तो सुंदर सुंदर गीत भी लिखे, लेकिन गीत पुराने हो गए, संसार के लोगों की रचनाएं पुरानी हो गई, पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना आज भी बिल्कुल नई, जितनी बार पढ़ो नया रस, नया आनंद, नया ज्ञान, कहां पुराना है? आपने गीत सुने होंगे, बढ़िया बढ़िया गीत सुने होंगे, लेकिन पुराने हो। अच्छा आप सुनो ना, आपने भी सुना, जब प्यारे किया तो डरना क्या, ये सुना, पर आपने सुना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। अब देखिए ये लिखा हुआ किसी के द्वारा है, तो संसार की चीजें पुरानी हो गई, पर श्री रामचंद्र कृपाल भजन ना पुराना हुआ, ना भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये तो पुराना हुआ। जो संसार के लिए लिखा जाएगा, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये किसी नायक और नायिका के लिए लिखा गया था,
ये पिक्चर का गीत है और ये किसके लिए लिखा गया? नायक और नायिका के लिए। फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं, हाँ मेरा दिल है। ये सब किसके लिए लिखा गया? नायक और नायिका के लिए। कितने बढ़िया बढ़िया गीत हैं, हम सब सुनते हैं ये गीत, जब मन होता है तो सुन लेते हैं पुराने गीत। कि आप लोगों ने सुना फूल तुम्हें भेजा है खत में, पर ये गीत किसके लिए है? नायक और नायिका के लिए। इसलिए ये पुराने हो गए, क्योंकि इनके मूल में नायक नायिका है, इनके मूल में स्त्री और पुरुष है, जगत भगवान है और उनकी माता सीता है। जगत ये गीत संसार के जगत के लिए लिखे गए, और तुलसीदास जी ने तो जगन्नाथ के लिए लिखा, जगत के नाथ के लिए। इसलिए उनके लिखी रचनाएं पुरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जगत के पालनहार के लिए लिखी गई। चलो, कालिदास जी ने भी लिखा रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी ने लिखा। क्या वो रघुवंशम महाकाव्य जो है क्या पुराना हुआ? नहीं, आप मूवियां देखते, चलो तीन आप मूवी देखते हो ना, बहुत सारी मूवी आपने